नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक साल पहले हुई चोरी के आरोपों सहित पुलिस ने 10 तोला सोना भी पकड़ा। 13/12/2021 को रायसेन के तला मोहल्ला वार्ड नंबर 9 निवासी विजय सिंह के घर हुई थी चोरी। चोरी में सोना चांदी व नकदी रुपए चोरी होने की रिपोर्ट रायसेन कोतवाली में हुई। भारतीय दंड विधान कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा SDOP अदिति बी सक्सेना के मार्गदर्शन में टीम गठित कर गंभीरतापूर्वक तलाश की गई। उक्त प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी असलम के साथी की गिरफ्तारी शेष थी। अनुसंधान के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गठित टीम के द्वारा आरोपी खालिद कुरैशी पिता नाजिर उम्र 45 साल निवासी बिस्मिल्ला कॉलोनी ऐशबाग जिला भोपाल को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लेकर खालिद के दूसरे साथी सैयूफ मलिक पिता सलीम मलिक उम्र 38 साल निवासी सईदिया स्कूल रोड इतवारा जिला भोपाल जिले जिसे खालिद ने माल बेचा था। उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर उपरोक्त प्रकरण में चोरी गया कुल मशरू का करीब 5.5 लाख रुपए की बरामद की गई है। रायसेन संवाददाता अली हसीन की रिपोर्ट। दिसंबर 2021 की घटना है। एक हमारे न्यायालय से सेवानिवृत्त विजय सिंह के घर में काफ़ी बड़ी वारदात हुई थी जिसमें करीब 12 तोला सोना और चांदी के जेवर चोरी हो गए थे। इस मामले में हमने थाना कोतवाली में नकबजनी का प्रकरण दर्ज किया था। तभी से अज्ञात आरोपियों की सरगर्मी से तलाश थी। इसी बीच में मुखबिर की सूचना के आधार पर इसके दो आरोपी पूर्व में पकड़े जा चुके थे जिनसे करीब 2 तोला सोना और चांदी के जेवर बरामद कर लिए थे। इसके जो मेन आरोपी थे वो तब से फरार थे। इनको अभी एक स्पेशल टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ही भोपाल से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 10 तोला सोना के जेवर बरामद किए हैं। इस तरह से इस पूरे मामले में अभी तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जिनमें से 3 चोरी करने वाले और 1 चोरी का माल खरीदने वाला आरोपी है। सभी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है और इस मामले का जो चोरी गया माल था सोना चांदी और नकदी वो 100% रिकवर हो चुका है। अभी आरोपियों को माननीय न्यायालय से रिमांड पर लिया जाएगा और भी वारदातों के बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है।